व्हाट्सएप के ऊपर इसने एक छोटा सा जोक बनाया था, जिसके बाद लंदन से मैड्रिड जाते हुए ये बंदा पकड़ा गया और इसको बड़ी बुरी सजा सुनाई गई। दोस्तों मैंने कल आपको वीडियो के अंदर बताया था और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई वो जोक क्या था, क्या बात इसने की थी, तो मैं आपको जरा शेयर करता चलूं कि इसने व्हाट्सएप के ऊपर अपने दोस्त को एक मैसेज लिखा था जो कि बोल रहा था कि तालिबान के रिलेटेड बोल रहा था कि तालिबान के साथ हूं, ये हूं, वो हूं, इस तरह की कोई बात कर रहा था और फिर जहाज को नुकसान पहुंचाने की इसने उसमें बात की थी जो कि मजाक के तौर पर की थी। लेकिन इस चीज को जब मैड्रिड एयरपोर्ट के ऊपर मुझे कल एक बंदे ने बोला कि आप कोई बंदा आपका मोबाइल चेक नहीं कर सकता। देखिए जो इमिग्रेशन के ऊपर पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, जिनके कान के अंदर वायरलेस लगा होता है, तो उनको पीछे से सीसीटीवी के जरिए उनको इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं कि इस बंदे पे नजर रखो, इस बंदे पे नजर रखो या इस बंदे से पूछगिछ करो। तो जब उनको आवाज आती है, डिक्टेशन आती है, फिर वो आपके पास जाते हैं, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अगर आप करते हुए नजर आ गए उनको तो वो लोग आपसे पूछते हैं हां भाई आप साइड पे आ जाएं। फिर अगर उनको शक हो तो वो आपसे आपका मोबाइल मांग सकते हैं, आपकी मोबाइल की चैट मांग सकते हैं, तस्वीरें जो कुछ भी हैं वो मांग सकते हैं, क्योंकि आप किसी मुल्क के अंदर जब एंटर होते हैं तो वो ये चीजें रिक्वायर कर सकते हैं। तो इसने एक छोटा सा जोक बनाया था, तो वो छोटा सा जोक जब इसने बनाया तो उसके बाद इसकी चैट से वो चीज निकल आई, क्योंकि वो लोग फिल्टर करते हैं ऐसे वर्ड्स को, ऐसी चीजों को वो फिल्टर करते हैं। जब फिल्टर किया गया तो जनाब इसकी वो चैट सामने आ गई और वहां पे उन्होंने इसको अच्छा खासा फाइन भी किया और इसके ऊपर और भी जो है वो मुश्किलात बन सकती हैं। तो आपने एक चीज याद रखनी है, व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी ऐसा जोक नहीं मारना है। आप समझ सकते हैं किस तरह की बात मैं कर रहा हूं, कोई तालिबान को लेके, कोई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह की बात नहीं करनी है, ताकि आप लोग महफूज रहें। इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ भी शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो लोग इस चीज से बच सकें।